अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोसिया कार टिप से हम दीदाने असों की उम्मीद करना के सारे संगी दोस्त ठीक हो। सो आज नी साड़ी वीडियो ही है सुजुकी रावी या सुजुकी बोलान। इसनी स्टार्ट करने है गड्डी है आवाज़ असनी टेमिंग बैरंग नी ते इस ना असन टेमिंग बैरिंग रिप्लेस करना। आज असम संगी यही दसने हैं कि किस तरह इस टाइमिंग बैरिंग रिप्लेस हो सी। तो ये शील ने चार काबले खोलने अस टाइमिंग प्लेट खोलने तो बैरिंग चेक कराने ये रेडिएटर इस अस कढ़ना जे इसने टांके जनाब पट्टे रेडिएटर ने रेडिएटर ने आए अस काबले खोलने प्लेट ने दस ने पेच हो सन फिर साइड पर इसने काबले खोली रेडिएटर कढ़ने टाइमिंग खोलने टाइमिंग बैरिंग फैन ने इसने पक्के ने काबले चारे खोलिए खोली असं लाई गिने ये फ्राई व्हील के पीछे हमने उधर पेचकस फसाना है। दोस्तों ये टाइमिंग बैरिंग हमने निकाल ली है, इसका बेल्ट भी हमने निकाला है। अभी हम ये बेल्ट भी इसका रिप्लेस करेंगे क्योंकि 60,000 गाड़ी जो है वो चल चुकी है। ये बैरिंग की आपको आवाज़ आ रही होगी, ये बैरिंग इसका ओरिजिनल है और बेल्ट भी ओरिजिनल है। 60,000 गाड़ी चल चुकी है, अब इसकी ये दोनों चीज़ें हम रिप्लेस करेंगे। तो ये जो गाड़ी है ये 18 मॉडल है, ठीक है, बोलान हो या रावी हो, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसके उधर पीछे सेंसर लगा होता है। ये 3 कॉइल वाली गाड़ी है, ठीक है। अभी सेंसर में कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ। ये इसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। ये 3 कॉइलें लगी हुई हैं, ठीक है, इसके पीछे सेंसर होता है। और अभी हम इसका टाइमिंग बैरिंग और टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी टाइमिंग कैसे होती है। दोस्तों ये बेल्ट हम रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल बैंडों का, ठीक है, ओरिजिनल बैंडों का टाइमिंग बेल्ट इसमें डालेंगे। और ये टाइमिंग बैरिंग है ओरिजिनल जापानी है, ये JMB में जापानी बैरिंग इसमें हम रिप्लेस करेंगे JMB में, ठीक है। ये बैरिंग अब हम इसके साथ फिटिंग करते हैं। ये इसका स्प्रिंग है, गोट वगैरह, ठीक है। ये हम इधर इसे बैरिंग को फिटिंग करते हैं। ये इसका दूसरा काबला है, 12 नंबर के काबले होते हैं। ये हल्के से हमने इसके काबले टाइट किए हैं पेचकस की मदद से, स्प्रिंग को इधर बिठा दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसकी टाइमिंग बराबर करते हैं। ये जो नीचे क्रिंक वाली है ये इस निशान पे आएगी, ठीक है। ये निशान जो है ना इसका,
ये इधर आएगा इसका, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। और ऊपर वाला है जो ये निशान है, ऊपर वाला हम आपको बताते हैं। ऊपर वाला निशान हमारा ये आउट है, ठीक है, ये 88 लिखा हुआ है, ये नहीं, ये नीचे वाला हमने करना है। तो इसको हम घुमाएंगे, ये हमारा निशान इधर आ जाएगा इसके साथ। ये ऊपर वाला कट जो इधर बना हुआ है ना, ये शायद आपको नजर आए, ये जो इसका कट है ये इधर आएगा इसके साथ, ठीक है, ऐसे यहाँ आएगा। तो अभी हम इसको बेल्ट चढ़ाते हैं। चलो जी सर, ये हमारे टाइमिंग के दोनों निशान क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये कट ये इस तीर के साथ आएगा, ये जो कट है हमारा ये इधर आएगा इसके साथ। ये 88 वाला करोगे तो ये टाइमिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। इस कट को आपने इधर इस प्लेट के साथ रखना है, क्योंकि ये गाड़ी के पीछे सेंसर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना, तो इसकी टाइमिंग इधर से ही होगी, ठीक है। ये निशान इसके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इधर हमने बेल्ट चढ़ाया है, ये इधर आराम से हमारा बेल्ट आ जाएगा। ओके, इसकी टाइमिंग इधर से ही होगी। पीछे वो जो हम एडवांस यार टायर करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर वाली टाइमिंग होती है, CDI वाली, इसमें वो चक्कर नहीं है, ठीक है। बेल्ट हमने आराम से चढ़ा लिया है जी। इस काबले को हम हल्का सा ढीला करते हैं और ये स्प्रिंग की मदद से बैरिंग टाइट हो गया है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से बेल्ट को चेक करना है, अगर थोड़ा बहुत टाइट करना हो तो कर लें, ठीक है। ये इतनी इसमें ये प्ले होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे ना तो फिर ये बेल्ट टूट जाएगा। अभी हमने 12 घंटी रॉड की मदद से इन काबलों को टाइट कर देना है। ये 18 मॉडल गाड़ी है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इदनान साहब, उनकी गाड़ी है, वो अभी दुबई में है, इंशाल्लाह वो भी ये वीडियो देखेंगे। आज इदनान भाई की गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट और बैरिंग रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ हमारे ये दोनों टाइमिंग बैरिंग वाले काबले टाइट हो गए, ये हमारे निशान भी बराबर हैं, ठीक है, ये चीज़। तो आज की हमारी वीडियो इस गाड़ी के ऊपर थी। तो अभी हम इसके आगे टाइमिंग प्लेट वगैरह लगाते हैं, टाइमिंग प्लेट वगैरह लगाने के बाद स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। दोस्तों, टाइमिंग प्लेट वगैरह लगा दी है, फ़ैन वगैरह लगा दिया है, फैन बेल्ट है जो वो भी हमने डाल दिया है, कमज़ोर था, ये भी हमने बैंडों पर डाला है, ठीक है, ये भी फारग था। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मारेंगे सब। दोस्तों, ये अभी हमारी गाड़ी ओके हो गई है, डेटर वगैरह अभी इसका हमने लगाना है, आवाज़ हमारी ख़त्म हो गई है। तो डेटर उतरे हुए पानी के बगैर आप इसे चेकिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। हमारा चैनल रोशिया का आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएँ।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जावे दी दें। नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।